बिहार से फिर पूछताछ किया तो पता चला कि जितेन भी इससे पीड़ित व्यक्ति था, इसी उसी के यहाँ पर रह के जितेन को भी उसने धोखा दिया था। तो इस प्रकार क्या है कि पुलिस लगातार काम कर रही थी और ये व्यक्ति जो आरोपी है एक ठिकाने में 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। जैसे ही एटीएम में निकला और हमारी टीम गई तो पता चला दूसरे ठिकाने पर चला गया। तो लगातार इसको परस्यू करने में और इसका लगातार पुलिस की मदद लेने में हम लोग काफ़ी प्रयास हुआ था और राजस्थान पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद और दूसरे अन्य स्टेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद है हम लोग देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया इसको ढूंढने में और पकड़वाने में। अभी आज सुबह जैसे मैंने कहा था सुबह लेके आए हैं, अभी पूछताछ अभी जारी है, इसको कोर्ट में पेश करेंगे, पेश करके फिर उससे पूछताछ करेंगे। आप जानते हो अपराधी क्या है कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, हर तरह का अपराध किया है, मतलब चोरी से लेके धोखाधड़ी से लेके और हत्या अभी ये वाला प्रकरण आया है। तो हम पूछेंगे, वेरीफाई करेंगे उसने जो भी जानकारी दे रहा है, क्योंकि हम ऐसा कुछ चीज़ बता नहीं सकते जिसमें वो वजह कुछ और निकल जाए बाद में। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे इस अपराध में। कि आइडेंटिफाई करना ही था, क्योंकि मृतिका का जो आधार कार्ड था वह भी किसी और नाम से लगा हुआ था, तो मृतिका की आइडेंटिटी हम लोग काफ़ी कुछ घंटों बाद उसको स्थापित कर पाए और उसके बाद एक वीडियो हम लोगों को पहले मिल चुका था, वो वायरल 2 दिन बाद हुआ था उसके, जिसमें आरोपी युवक ने खुद अपना जुर्म जो है कबूल किया था और उसके कुछ दिन बाद इंस्टाग्राम पे मृतिका की इंस्टाग्राम आईडी पर उसने एक और वीडियो डाला था जिसमें उसने खुद का नाम अभिजीत पाटीदार बताया था। और इसमें जो है हमें उसकी लोकेशंस, मेनली वो जो मृतिका का एटीएम कार्ड लेके भागा था, जब जब वो उस एटीएम कार्ड से कैश विड्रॉ कर रहा था, जो कि कभी वो 15 घंटे के अंतराल पे, कभी 36 घंटे के अंतराल पे कर रहा था, तब हमें उसकी लोकेशन मिल पा रही थी। और उस लोकेशन को हमें ह्यूमन तरीके से, सीसीटीवी तरीके से और ह्यूमन इंट्स के जरिए हमें ट्रेस करना पड़ रहा था लगातार, इसीलिए हर जगह हमारी टीम थोड़ा पीछे रह जा रही थी उनसे। उसने घटना कारित करने के बाद सीधे वो रायपुर चला गया, रायपुर के बाद नागपुर चला गया, नागपुर के बाद यवतमाल गया, फिर वापस नागपुर आया, फिर उसके बाद खंडवा चला गया। मतलब हमने नागपुर टीम भेजी लेकिन तब तक जो आरोपी है वह खंडवा चला गया था। और उसके इसमें कोई पैटर्न नहीं था जिसको हम प्रेडिक्ट कर पाए। तो खंडवा जब हमने टीम भेजी तो वो बुरहानपुर चला गया, बुरहानपुर से वो जो है सूरत जा चुका था, सूरत से केवड़िया जा चुका था, केवड़िया से रेवाड़ी जा चुका था, फिर रेवाड़ी से वो हिमाचल प्रदेश में ऊना जो जिला है वहाँ जा चुका था, और ऊना से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अजमेर। तो इस तरह से हम एक तरीके से डिपेंडेंट थे अगली जो टीम है वहाँ का, जो स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की टीम पर। तो इसमें हमें जो सफलता हासिल हुई है सबसे ज़्यादा, तो ये एक पैन इंडिया टीम एफर्ट है, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया का टीम एफर्ट हम इसको बोलेंगे। सर ने अपने, एसपी सर ने अपने बैचमेट्स को, मैंने अपने बैचमेट्स को, रेडी जी सर ने अपने बैचमेट्स को लगातार इसमें इन्फॉर्म किया कि ये आपके आपके एरिया में होने की संभावना है। उन लोग के द्वारा सब जगह मेहनत की गई, गुजरात में प्रॉपर एसओजी टीम इसके लिए डिप्लॉय की गई थी और हरियाणा में भी इसके लिए एक पर्टिकुलर क्राइम ब्रांच की टीम डिप्लॉय की गई थी, और हिमाचल प्रदेश से जब ये चंडीगढ़ के बीच में मूव कर रहा था तब भी हिमाचल प्रदेश उन्हें एसपी सर के द्वारा भी एक टीम डिप्लॉय की गई थी। लेकिन ये चूँकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा था, जैसे कि ये बस यूज़ कर रहा था, ऑटो रिक्शा यूज़ कर रहा था, इसलिए हर जगह से ये बस निकल रहा था। हमारा लक कहेंगे और उसका बैड लक कहेंगे कि अजमेर में हमें जब सूचना मिली कि 17 नवंबर को इसके द्वारा सुबह 8 बजे जो है कैश निकाला गया है, तो 8 बजे कैश निकाला गया, हमें 10 बजे पता चला ये बात। उसके बाद तत्काल एसपी सर के द्वारा, अजमेर एसपी सर को और मेरे द्वारा जो मेरे बैचमेट हैं वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया गया, उन लोगों ने तत्काल वहाँ पर जो डीएसपी साहब है विजय सिंह साहब। यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।